कल जो हमने पढ़ा था उसमें आपको कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन नो ठीक है स्क्रीन मेरी विजिबल है आपको यस yes, सर हमने जो सीखा था इंडेक्सिंग सीखी थी नंबर्स की क्या इंडेक्सिंग होती है कि किस तरीके से एक एक करेक्टर किस इंडेक्सिंग में होता है ठीक है आज हमने ये सीखना है कि किस तरीके से हम जो है ना स्ट्रिंग के अंदर डिफरेंट करेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं वो भी हम इंडेक्सिंग के थ्रू ही करेंगे ठीक है ओके तो मैं जैसे यहाँ पे अभी मैंने अगर आप इसको मैंने देखिये मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर मैंने कोई भी एक, एक स्ट्रिंग दे दी है अब क्या करना है मुझे मैंने आपको बताया था हम स्लाइसिंग करेंगे स्लाइसिंग क्या होता है बेसिक तो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ठीक है तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग इस तरीके से हम मैं पहले आपको एग्जांपल दे देता हूँ प्रिंट ए हम लोग कर रहे थे फिर इंडेक्सिंग कर रहे थे कि कौन सा करेक्टर हमने प्रिंट करना सपोज में यहाँ पे टू लिख देगा Okay. Uh, जब इसको हम प्रिंट करेंगे तो हमारे पास एक आउटपुट आ जाएगा जो भी हमारा वो उस इंडेक्स के ऊपर करेक्टर होगा तो यहाँ पे क्या आ गया एल आ गया ठीक है अगर मैं चाह रहा हूं कि एच से लेके ओ तक मेरे पास जो है करेक्टर प्रिंट होने चाहिए तो मैं ये किस तरीके से कर सकता हूँ हमें पता है कि ये... जो हमारी इंडेक्सिंग होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है राइट? Right? यस। yes. तो मैं यहाँ पे पहले जीरो लिखते थे और इसको प्रिंट करके देखते हैं फर्स्ट लेटर हमारे पास फर्स्ट लेटर हमारे पास प्रिंट हो गया राइट? Right? अब अगर हम यहाँ से काउंट भी कर सकते हैं, जीरो वन टू थ्री फोर तो ओ जो है वो फोर इंडेक्स पे आ रहा है तो मैं यहाँ पे फोर लिख देता हूँ देखता हूँ कि लास्ट करेक्टर मेरे पास प्रिंट हो रहा है या नहीं ओ भी प्रिंट हो रहा है अब मैं ये चाह रहा हूँ कि H से लेके O तक मेरे पास प्रिंट हो जाए यानी H E L एल O, जो है मेरे पास एक साथ प्रिंट हो जाए तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं जीरो लिख सकता हूँ ठीक है इस तरीके से ये रेशो का साइन अभी हमने क्या देखा कि हमारा जो इंडेक्स ओ वो का जो इंडेक्स है वो फोर आ रहा है ठीक है पहले इसको रन करके देखते हैं फिर ये होता क्या है फिर मैं आपको समझाता एच ई डबल एल तक आ गया क्योंकि जीरो से स्टार्ट हमें पता है हमारी इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है जीरो से स्टार्ट होती है तो उसने जीरो से इंडेक्स लेना शुरू किया जीरो वन टू थ्री लेकिन इसने फोर वाला इंडेक्स तो प्रिंट ही नहीं किया था हमने तो मैंने आपको कहा कि मुझे कहाँ से प्रिंट करवाना है एच से लेके ओ तक प्रिंट करवाना है तो मैंने ज़ाहिर सी बात है वो इंडेक्स दे दिए एच पे हमारे पास इंडेक्स जीरो है और ओ पे हमारे पास फोर है राइट लेकिन उसने हमारे जो है ओ प्रिंट नहीं किया हालांकि उसकी इंडेक्सिंग जो थी फोर ही थी तो इससे ये हमें सीखने को मिला कि अगर हम इन स्लाइसिंग uh, के अंदर कुछ प्रिंट करवाना चाह रहे हैं जो लास्ट इंडेक्स है हमारा वो प्रिंट नहीं होगा सपोज अगर मुझे ओ भी प्रिंट करवाना है तो मुझे यहाँ पे इंडेक्सिंग इसकी फाइव देनी पड़ेगी यानी नंबर ऑफ करेक्टर जो हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं स्लाइसिंग के अंदर उससे एक इंडेक्स मुझे ज्यादा देना पड़ेगा ठीक है अभी मैं इसको रन करके देखता हूँ तो आप यहाँ देख सकती हैं यहाँ पे पूरा हेलो प्रिंट वर्क आ गया अगर मैं इसको काउंट करूँ तो यहाँ पे मैंने इंडेक्स फाइव तक दिया हुआ है तो इंडेक्स फाइव कहाँ तक आ रहा है वन जीरो वन टू थ्री फोर और फाइव जो है यहाँ पे हमारे पास स्पेस पे आ रहा है तो यानी मुझे अगर ओ तक प्रिंट करवाना है तो ओ की इंडेक्सिंग क्या आ रही है फोर यहाँ पे ओ की इंडेक्सिंग फोर है लेकिन मुझे अगर ओ भी पेंट करवाने तो उससे एक नंबर ज्यादा में यहाँ इसके अंदर स्लाइसिंग जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे ठीक है क्योंकि वो लास्ट वाला जो है वो काउंट नहीं होता अब फाइव में जो है हमारे पास क्या है यहाँ पे एक स्पेस है ठीक है तो लास्ट वाला वो काउंट नहीं होगा इसी तरीके से अगर मैं फोर दे दू तो फोर कहाँ पे आके स्टॉप हो रहा है ओ के ऊपर तो लास्ट वाला हमारे पास क्या हो गया ओ oh, तो वो वहां पे काउंट नहीं हो रहा है ठीक है समझ में आया आपके yes. अब एक तरीका और है अगर मैं यहाँ से ये जीरो हटा दू ठीक है इसको रन करके देखते हैं क्या होता है इसको यहाँ पे फाइव कर देते हैं अभी मैंने देखा यहाँ वहां से जीरो हटा दिया फिर भी ये क्या प्रिंट कर रहा है हेलो प्रिंट कर रहा है यानी है इंडेक्स इसने जीरो से ही कंसीडर किया ठीक है इस साइड पे जो है मतलब ये जो रेशियो का साइन है इसके लेफ्ट साइड पे हम क्या बता रहे होते हैं कि इंडेक्स स्टार्ट कहाँ से करना है इसके ये राइट साइड पे हम बता रहे होते हैं कि स्ट्रिंग का जो इंडेक्स है वहां एंड कहाँ पे करना है ठीक है अगर मैंने इसको स्टार्टिंग इस वैल्यू नहीं दी है तो वो अल्टीमेटली क्या करेगा उसको जीरो से ही स्टार्ट करेगा क्योंकि हमारी जो इंडेक्सिंग है वो जीरो से स्टार्ट हो रही होती है राइट अगर मैं इसको इनिशियल वैल्यू लेट सपोज वन दे देता हूँ अब देखते क्या प्रिंट होता है तो e डबल एल ओ प्रिंट हो रहा है क्योंकि e का इंडेक्स क्या है हमारे पास अगर मैंने इसको वन वन ठीक है वन अगर मैंने वैल्यू दी है तो वो क्या कंसीडर करेगा e से कंसीडर करेगा क्योंकि इनिशियल वैल्यू क्या है वन और वन हमारे पास वन uh, का e का इंडेक्स हमारे पास वन है तो वो e से लेना शुरू कर देगा इसी तरीके से क्या हो अगर मैं वन के बताए यहाँ पे टू लिखता हूँ तो देखते कहाँ से प्रिंट होना शुरू होगा तो डबल एल ओ ठीक है तो ये कहाँ तक जहाँ से मैंने उसको इनिशियल वैल्यू दी है और जहाँ तक मैंने फाइनल वैल्यू दी है वो सिर्फ वहीं तक प्रिंट करेगा अगर मैं इसकी फाइनल वैल्यू चेंज कर देता यहाँ से फाइव यहाँ पे आ रहा है सिक्स सेवन एट नाइन डी का जो इंडेक्स आ रहा है वो नाइन पे आ रहा है हम यहाँ पे नाइन लिख कर देखते हैं ठीक है तो आप देख सकती हैं डबल एल ओ और फिर साथ में स्पेस भी प्रिंट हुआ है क्योंकि वो भी एक इंडेक्स जो है कंसीडर कर रहा होता है और फिर डब्ल्यू ओ आर डी यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है क्योंकि मैंने आपको बताया जो लास्ट वाला है वो कंसीडर नहीं हो रहा होता है ठीक है बात समझ में आ रही है जिस तरीके से हमने देखा इनिशियल वैल्यू अगर हम नहीं देंगे तो वो जीरो कंसीडर कर लेगा खुद से अगर मैं फाइनल वैल्यू नहीं दूं इसको तो लेट्स सी क्या होता है देखिए मैंने फाइनल वैल्यू नहीं दी तो उसने पूरा वर्ड प्रिंट कर दिया डब्ल्यू ओ आर डी वर्ड और ये डबल एल ये जो एल से स्टार्ट हो रहा है जो हमने इनिशियल वैल्यू दी है वहीं से स्टार्ट हो रहा है और फाइनल वैल्यू हमने दी नहीं है तो उसे पता ही नहीं है कि उसने स्टॉप का करना है तो उसने क्या करा जहां पे स्ट्रिंग एंड हो रहा है वहां तक उसको प्रिंट कर देगा ठीक है समझ में आ ओके okay. अगर लेट्स सपोज अगर मैं इनिशियल uh, वैल्यू भी नहीं देता see, uh, ये सही है या नहीं ये चलता है या नहीं तो देखें यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया हेलो वर्ड क्योंकि उसे नहीं हमने इनिशियल वैल्यू नहीं दी तो वो क्या करेगा जीरो से स्टार्ट करेगा फिर उसे नहीं पता कि उसकी फाइनल वैल्यू क्या है तो वो क्या करेगा एंड तक उसको प्रिंट कर देगा ठीक है समझ में आया आपके ठीक yes. है तो अब आप क्या कर रहे हैं अब आप मुझे अपने पास रन करके दिखाएं और उसकी डिफरेंट एग्जाम्पल मुझे करके दिखाएं कि आपके कितना समझ में आया ये ठीक है आपने उसे बताया नहीं कि आप स्लाइसिंग किसके ऊपर कर रही हैं? एक्स के ऊपर करना है ना एक्स के अंदर आपने स्टोर करी है वैल्यू आपने जो है स्क्वायर ब्रैकेट यूज करने जब आप स्लाइसिंग कर रहे हैं नो 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 जहां पे आपने स्लाइसिंग की वैल्यू दी है वहां पे आपने स्क्वायर ब्रैकेट यूज करने है। अब जो ये आपने आ, इसे रिमूव करके

वहां इनिशियल वैल्यू डिफरेंट दें कुछ भी वैल्यू दे दें लेकिन आपकी वैल्यू वो होना चाहिए जो कि यस ठीक है जो उसके अंदर मौजूद हो इंडेक्सिंग में ठीक है सही है उसने एंड में आई ए प्रिंट कर दिया क्योंकि आई जो है वो इंडेक्स ट्वेंटी पे आ रहा है सही है। गुड okay, से पहले आपको यस yes. ठीक है अब हमने क्या करना है एक और वैल्यूबल बना देता हूँ उसके अंदर कोई भी एक वैल्यू स्टोर कर देता हूँ हेलो ठीक है ठीक अब अगर मैं यहाँ पे लिख दू प्रिंट एक्स और इसकी इंडेक्सिंग में अगर मैं माइनस में वैल्यू दूँ अगर मैं नेगेटिव वैल्यू दू तो देखते हैं ये क्या प्रिंट करेगा ठीक है इसने क्या प्रिंट करा यहाँ oh. प्रिंट कर दिया चलें देखते हैं अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ तो माइनस टू दे देता हूँ तो देखते हैं क्या प्रिंट करेगा इसने क्या प्रिंट करा एल. एल. ठीक है अब मैं देखता हूँ माइनस थ्री करने से क्या आ रहा है माइनस थ्री करने से फिर से एल प्रिंट कर रहा है अगर मैं माइनस फोर दे दू माइनस फोर करने पे ई प्रिंट कर रहा है अगर इस तरीके से अब मैं माइनस फाइव दे देता हूँ सी तो माइनस फाइव देने से उसने क्या प्रिंट कर दिया एच तो आपको ये लॉजिक समझ में आई कि ये कर क्या रहा है एक करके मैंने रहे दिखाया ले रहा है। exactly. जब हम उसको नेगेटिव negative... जी जब हम उसको नेगेटिव वैल्यू देते हैं तो वो कहाँ से कंसीडर करता है वो एंड ऑफ द स्ट्रिंग से कंसिडर करते है. तो ये जो ओ है अगर इसकी नेगेटिव के एतबार से हम देखेंगे तो इसकी इंडेक्सिंग क्या है ये माइनस वन फिर ये माइनस टू ठीक है फिर ये एल माइनस थ्री ई जो है हमारे पास माइनस फोर में आ जाएगा ठीक है और फिर जो हमारे पास एच है वो हमारे पास कहाँ आ जाएगा माइनस फाइव अब मैं इसको थोड़ा और बढ़ा देता अब मैं प्रिंट करके देखता हूँ कि मेरे पास क्या प्रिंट हो मेरे पास कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा क्यों मेरे पास प्रिंट नहीं हो रहा कुछ भी सिंपली हम काउंट भी कर सकते हैं डी हमारे पास माइनस वन है माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर एंड देन जो ये हमारे पास स्पेस आ रहा है ये माइनस फाइव पे आ गया तो बेसिकली वो वहां पे एम टी स्पेस प्रिंट कर रहा है इस वजह से हमें स्क्रीन पे कुछ नजर नहीं आ रहा के? अगर मैं सिक्स लिख दू तो देखते हैं वो प्रिंट करेगा या नहीं तो वो ओ प्रिंट कर रहा है ठीक है तो उसने वहां पे एम टी स्पेस प्रिंट किया था इसलिए हमें ऐसा लग रहा था कि आउटपुट कुछ भी नहीं है अगर मैं यहाँ पे भी स्लाइसिंग कर दू लेट से मैं यहाँ पे माइनस सिक्स दे देता हूँ और यहाँ पे मैं माइनस वन दे देता हूँ लेट्स के इसको कंसीडर करेगा या नहीं तो आप देखेंगे इसने स्लाइसिंग को भी कंसीडर किया नेगेटिव नंबर्स तो ये जो ओ प्रिंट किया है ये माइनस फाइव की वैल्यू ठीक है और ये जो आर प्रिंट हो रहा है ये इनिशियल वैल्यू से प्रिंट हो रहा है ठीक है लेकिन हाँ, यहाँ पे क्या है ये जो हमने वैल्यू दी है वो कंसीडर नहीं होती जैसे कि हमने देखा था कि जो हमारी फाइनल वैल्यू है वो कंसीडर नहीं हो रही होती ठीक है मैं आपको सिंपल बता देता हूँ जैसे जब मैं यहाँ पे देता था मुझे इसको इंडेक्सिंग करनी थी तो लेट्स सपोज मुझे वन से करनी है और कहाँ तक करनी है सिक्स तक करनी तो अभी मैं इसको प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ तो इसने कहाँ से प्रिंट किया ई डबल एल ओ डब्ल्यू मैं इसकी वैल्यू को फाइव कर देता हूँ फिर अच्छे से समझ में आएगा E डबल एल ओ डब्ल्यू तक वो क्या कर रहा है हमारे पास प्रिंट कर रहा है ठीक है मैं इसको फोर दे देता हूँ तो आप ये देखें उसने कहाँ तक प्रिंट किया E डबल L E L L तक प्रिंट किया तो इनिशियल वैल्यू मैंने क्या दी है वन तो वो यहाँ से कंसीडर करेगा जीरो को हटा देगा एच वन कहाँ पे आ रहा है ई e पे वन टू थ्री तो उसने ई एल एल को प्रिंट कर दिया और जो फाइनल वैल्यू है फोर वो मेरे पास आ रही है ओ के ऊपर यहाँ पे ओ के ऊपर आ रही है तो वो फाइनल वैल्यू को प्रिंट नहीं करता है ठीक है इसी तरीके से नेगेटिव इंडेक्सिंग में भी मैंने जो इनिशियल वैल्यू दी है वो क्या है मेरे पास माइनस सिक्स माइनस सिक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स माइनस सिक्स स्टार्ट हो रहा है मेरे पास ओ पे ठीक है और इसकी फाइनल वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है हम राइट right साइड पे फाइनल वैल्यू दे रहे होते ठीक है तो फाइनल वैल्यू पे मेरे पास माइनस वन है तो जाहिर सी बात है वो फाइनल वैल्यू को प्रिंट नहीं करता है. इसी वजह से मेरे पास जो ये वर्ड है ये यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा है ठीक है समझ में आया आपके ये बात समझ में आया yes. कोई क्वेश्चन है नेगेटिव इंडेक्सिंग में नो no. अगर मैं यहाँ पे इसकी फाइनल वैल्यू नहीं देता तो लेट्स सी ये वर्क करेगा या नहीं देखते हैं कि ये हमने सेंटेक्स ठीक लिखा तो देखें यहाँ पे क्या हो रहा है वो फाइनल तक प्रिंट कर रहा है ठीक है तो जब हम उसको फाइनल वैल्यू देंगे नहीं तो वो क्या करेगा एंड तक प्रिंट कर देगा अगर मैं इसको माइनस फाइव कर देता हूँ माइनस फोर कर देता तो आप देखिए मेरे पास डब्ल्यू ओ आर डी वर्ड प्रिंट होकर आ गया ये यहाँ पे तो उसकी हम हमेशा एक बात जहन में रखिएगा जो रेशो के लेफ्ट साइड पर होती है ये जो हमारे पास साइन है वो हमारी इनिशियल वैल्यू होती है और सॉरी लेफ्ट साइड पे इनिशियल वैल्यू होती है और इस तरफ राइट साइड पे जो है फाइनल वैल्यू होती है। तो इनिशियल वैल्यू क्या है माइनस फोर जैसे हमने देखा माइनस फोर है तो हम बैकवर्ड काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर हमें पता चल गया कि माइनस फोर यहाँ पे आ रहा है तो इसने डब्ल्यू से स्टार्ट करना है और फाइनल वैल्यू तो है नहीं तो दैट्स मीन ये एंड तक प्रिंट कर देगा ठीक है कोई क्वेश्चन ठीक है अब आप इसको अपने पास रन करें शेयर माय स्क्रीन शेयर करें आप अपनी अब जब आप ये प्रिंट कर रहे हैं ना ये जो फर्स्ट लाइन में हेलो लिखा वाला है वो क्यों लिखा हुआ आ रहा है ये मुझे बता सकती हूँ इस वजह से वो हाई भी बार बार प्रिंट हो रहा है क्योंकि वहां पे लाइन नंबर टू पे जो आपने प्रिंटेड स्टेटमेंट लिखी है Are uh, you good? Thank you. एक चीज आपको और बतानी है अब हमने इंडेक्सिंग भी देख ली और स्लाइसिंग भी देख ली जैसे सपोज अब मैं इस स्ट्रिंग को पूरा प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ हमें पता है कि इसकी इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू देनी होगी राइट सपोज uh, मैं इसको इस तरीके से कर देता तो अभी अभी जस्ट हमने देखा कि अगर मैं इनिशियल वैल्यू भी ना दूँ और फाइनल वैल्यू भी ना दूँ तो वो क्या प्रिंट करेगा <coughs> ये देखें उसने पूरी स्ट्रिंग प्रिंट कर दी क्योंकि उसे उसके पास यहाँ पे इनिशियल वैल्यू नहीं थी तो उसने क्या जीरो से कंसीडर करा उसके पास फाइनल वैल्यू नहीं थी तो उसने स्ट्रिंग के लास्ट तक कंसीडर कर लिया एक चीज मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ लेट सपोज मैंने यहाँ पे इनिशियल वैल्यू दे दी जीरो और फाइनल वैल्यू मैं दे देता हूँ सेवन ठीक है जैसे मैंने यहाँ पे रन करा तो जो इनिशियल और फाइनल वैल्यू के अकॉर्डिंग मेरे पास आंसर आ गया अब मैं यहाँ पे देना चाह रहा हूँ टेन ठीक है तो यहाँ पे मेरे पास एक आंसर आ गया अब एक चीज और मैं यहाँ पे एक को ये रेशो का साइन लगाऊंगा और फिर मैं यहाँ पे लेट सपोज टू लिख देता तो इस टू को लिखने का क्या मकसद है इसको मैं प्रिंट करके देखता हूं क्या हो रहा है यहां पे क्या हो गया? E -L, पे जो हमने दिया हुआ है और फिर ओ डी ये आपके कुछ समझ में आया क्या हुआ है यहाँ से हम क्या करते हैं इसको कल... एक एक चीज को देखते हैं चले ये हमारा इनिशियल इंडेक्स क्या है हमारे पास वन है तो जीरो वन यानी वो ई से स्टार्ट हो रहा है ठीक है और उसका हमने फाइनल वैल्यू क्या दे दी है टेन टेन यहाँ पे डी के ऊपर एंड हो रहा है अब इस टू का क्या मतलब है इसको समझते हैं अब जो हमारे पास प्रिंट हुआ है अब सबसे पहले हमने ये कंसिडर इनिशियल और फाइनल वैल्यू को देखना है कि कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होना चाहिए तो ये इतना हिस्सा हमारे पास प्रिंट होना चाहिए अब देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ हमारे पास मिसिंग है ई e हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो गया फिर एल हमारे पास प्रिंट हो गया फिर एल हमारे पास प्रिंट नहीं हुआ फिर ओ हमारे पास प्रिंट नहीं हुआ फिर ये डब्ल्यू प्रिंट हुआ नहीं डब्ल्यू प्रिंट नहीं हुआ फिर हमारे पास ओ प्रिंट हुआ है और डी प्रिंट हुआ बेसिकली हो क्या रहा है इसने इस ई e को प्रिंट करा राइट फिर ये जो एल है इसको स्किप कर दिया फिर दूसरे वाले एल को यहाँ पे प्रिंट करा, है। फिर इसने ओ को स्किप करा फिर यहाँ पे स्पेस था उसको प्रिंट कर दिया फिर डब्ल्यू को स्किप करा ओ को प्रिंट करा आर को स्किप करके डी को प्रिंट कर दिया तो ये जो टू है ये हमें बता रहा है नंबर ऑफ स्टेप कि किस तरीके से आपने यहाँ पे जो है स्ट्रिंग को प्रिंट करना है टू लिखने का क्या मकसद है दो दो नंबर के हिसाब से आपने प्रिंट करना है यानी एक नंबर को स्किप करके आपने दूसरा नंबर प्रिंट करना है अगर मैं यहाँ पे जीरो लिख देता हूँ इसकी इनिशियल वैल्यू अब आप इसका आउटपुट देखें तो इसका देखें आउटपुट चेंज हो गया इसने एच को प्रिंट करा ई को स्किप कर दिया फिर एल को प्रिंट करा याला एल स्किप कर दिया ओ को प्रिंट करा फिर ये जो स्पेस था यहाँ इसको स्किप कर दिया फिर डब्ल्यू प्रिंट करा ओ स्केप हो गया आर प्रिंट करा और डी यहाँ पे स्किप हो गया तो ये टू यहाँ पे ये यह बता रहा है कि आपने किस स्टेप के हिसाब से आपने जो है नंबर्स को प्रिंट करने, ठीक है अगर मैं यहाँ पे थ्री दे देता हूँ लेट्स सी क्या होता है पहले स्ट्रिंग को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि इतनी छोटी स्ट्रिंग है यहाँ तक समझ में आया आपके yes. कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन पहले इसको से रन कर तो मैंने इंडेक्सिंग तक इसको प्रिंट करवाया तो वो पे एंड हो रही है पर तो H को प्रिंट कर दिया इसी तरीके से ई e को नहीं करा एल को कर दिया फिर स्किप कर करके इसने ये हमारे पास प्रिंट करा है ठीक है अगर मैं इसकी स्टेप की वैल्यू थ्री दे देता हूँ सी क्या होता है अब देखिए हमारे पास क्या प्रिंट हो रहा है इसने हमारे पास एच को प्रिंट कर दिया फिर इसने दो करेक्टर स्किप करे ई e और एल फिर हमारे पास ओ एल प्रिंट किया फिर इसने दो करेक्टर स्किप किए डब्ल्यू ओ ओ और साथ में एक स्पेस राइट फिर यहाँ पे डब्ल्यू को प्रिंट कर दिया फिर क्या हुआ हमारे पास E और एक स्पेस यहाँ पे स्किप हो गया फिर हमारे पास क्या प्रिंट हो गया A ठीक है समझ में आ रहा है आपके yes. तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं अपनी इस, इंड़ा, इंड़ा, स्लाइसिंग के अंदर चीजों को बता सकते हैं कि उसने किस तरीके से प्रिंट करना है ठीक है लेट सपोज अगर क्या हो मैं इसको नेगेटिव इंडेक्सिंग दे दू ठीक है अगर क्या हो मैं इसको इसके स्टेप इस के अंदर मैं एक नेगेटिव नंबर दे दू तो ये क्या करेगा लेट सी यहाँ पे ये अभी कुछ प्रिंट नहीं कर रहा है ठीक है क्योंकि मैंने इसकी इनिशियल वैल्यू जीरो दी है और फाइनल जो है हमारे पास ट्वेंटी है अगर मैं इसको फाइनल वैल्यू नहीं देता ठीक है तो हम देखते हैं कि यहां पे ये यह क्या प्रिंट है यहां पे ये यह क्या प्रिंट कर, कर रहा है खाली एच प्रिंट कर रहा एच क्यों प्रिंट कर रहा है ये वाला एच ठीक है तो उसने क्या करा जो हमारे पास इनिशियल वैल्यू है उसको प्रिंट कर दिया और फाइनल वैल्यू उसने प्रिंट ही नहीं करी क्योंकि नेगेटिव के अंदर वो फाइनल वैल्यू को अंडरस्टैंड नहीं कर अगर मैं इसको इनिशियल वैल्यू भी ना दूं और फाइनल वैल्यू भी ना दूं इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या होगा कुछ समझ में आया ये क्या हुआ ये जो हमारी स्ट्रिंग है इसको और आप इसको रिलेट कर पा रही हैं कि ये हुआ क्या है या ये ऐसी रैंडम आंसर आ गया हेलो कैन यूर ये उल्टा हो गया एग्जैक्टली exactly. क्या हुआ ये हमारी स्ट्रिंग पूरी उल्टी हो गई अब यहाँ पे मैंने इनिशियल वैल्यू नहीं दी ठीक है हमें पता है लेफ्ट साइड पे इनिशियल वैल्यू आती है फिर यहाँ राइट साइड पे फाइनल वैल्यू आती है मैंने फाइनल भी नहीं दी तो ये अंडरस्टैंड कर लेगा इनिशियल नहीं दी तो वो क्या होगी जीरो से स्टार्ट हो जाएगी फाइनल नहीं दी तो वो क्या होगा एंड तक वो उसने प्रिंट करना है और ये जो माइनस वन है ये हमने स्टेप इसको बता दिया कि आपने किस तरीके से प्रिंट करना है तो अभी हमने सीखा कि माइनस इंडेक्सिंग का क्या मतलब होता है कि वो राइट साइड से स्टार्ट होता है ठीक है वो स्ट्रिंग के एंड से जो है हमारा वो प्रिंट करना शुरू करता है ऐसा ही है yes. तो उसने क्या करा यहां से प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया एन से ओ एच टी पी वाई ठीक है फिर स्पेस भी प्रिंट करा फिर जी और जी एन आई एन और फिर पूरा यहां पे प्रिंट कर दिया तो इस इससे क्या हुआ हमारी स्ट्रिंग जो है वो रिवर्स हो गई ठीक है इससे क्या हुआ हमारी स्ट्रिंग रिवर्स हो गई अब आप कोई ऐसा वर्ड मुझे बता सकती हैं जिसको रिवर्स करने से वही वर्ड आता हो सोचें थोड़ा कोई ऐसा वर्ड जैसे कुछ भी नहीं होगा। जी कुछ भी प्रिंट नहीं होगा पहले वर्ड सोचते ना कि ऐसा वर्ड है या नहीं आप मुझे बता रही हैं कि ऐसा कोई वर्ड है सर मुझे कोई चले मैं आपको बता Let's suppose हमारे पास वर्ड है मैडम ठीक है इसकी स्पेलिंग देखिए आप सेम है मिड में डी आर है इस तरफ ए एम है इस तरफ ए एम है इसको प्रिंट करके देखते हैं आपने बोला कुछ भी प्रिंट नहीं होगा ऐसा ही है तो हम रन करके देख लेते हैं ऐसा हो रहा है या नहीं तो वो उसको मैडम ही प्रिंट कर रहा है क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमने स्ट्रिंग के अंदर लिखा क्या है वो तो उसको उस हिसाब से ही प्रिंट करेगा ना जैसे हम उसको प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो वो इनिशियल वैल्यू देखेगा फाइनल वैल्यू देखेगा और वो ये देखेगा उसको स्टेप किस तरीके से दिए हमें माइनस वन तो यहाँ एम पे आएगा उसको प्रिंट करेगा ए को प्रिंट करेगा डी ए एम तो अब ये हमारी स्पेलिंग ऐसी है जो कि रिवर्स होने के बाद भी वही बन रही है ठीक है एक और वर्ड ले, ले लेते हैं लेट सपोज लेवल प्रिंट होगा, ठीक है वो तो स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहे है ना उसको इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता कि हमारे पास जो है स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ क्या है ये तो अब हमारी अपनी वो है कि हम उसको स्ट्रिंग किस तरीके से देना चाह रहे हैं ठीक है समझ में आया ठीक yes. है अब आप अपने पास रन करें इसको can share your screen Okay, good. हम क्या कहते हैं ईमेल ईमेल स्ट्रिंग स्ला... स्लाइसिंग कहते हैं ठीक है कि किस तरीके से आप स्ट्रिंग स्लाइसिंग को यूज करते हुए किसी स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं उसको रिवर्स कर सकते हैं ठीक है कोई क्वेश्चन okay. अभी no. तक कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि मतलब नेगेटिव इंडेक्सिंग या इस लिहाज से अगर है तो आप पूछ सकते हैं अगर आपको पिछले no. अगर पिछले के लेक्चर में जो कि मैंने आपको डिलीवर कर दिया है उसमें भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है कि जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हैं सर आपने ये पढ़ाया था वो मुझे समझ नहीं आया तो आप उस तरीके क्वेश्चन भी मुझसे कर सकते हैं ठीक है तो अभी तक पिछले वाला भी सब क्लियर है हमारे पास नाइन मिनट्स रहेगा मैं देखता हूँ कि कुछ आपको इसमें कवर करवा एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कॉन्टिनेशन का ये आपको पता है इसके बारे में कुछ पहले मैं क्या करता हूँ एक वेरिएबल ठीक है पहले मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ उसके अंदर मैंने एक वैल्यू स्टोर कर दी फोर ठीक है फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया उसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर कर दी सिक्स ठीक है अब क्या हो मैं इसको प्रिंट कर दूँ और मैंने प्रिंट के अंदर बोला ए प्लस बी कर दो ठीक है तो इसका हम देखते हैं क्या आएगा है? उसने क्या प्रिंट किया टेन प्रिंट कर दिया सिंपली ठीक है तो हमारे पास आउटपुट क्या आ गया? टेन क्योंकि फोर प्लस सिक्स हमारे पास टेन होता है ठीक है तो ये इसने क्या कर दिया ऐड कर दिया दो नंबर को क्योंकि हमें पता है प्लस का जो साइन है वो एडिशन के लिए इस्तेमाल होता है ठीक अगर मैं इसको कोई स्ट्रिंग दे देता हूँ हमें पता है स्ट्रिंग जो है हमने किस में देनी होती है कोटेशन मार्क के अंदर देनी होती है अगर मैं यहाँ लिख दूँ हेलो और यहीं पे कुछ भी लिख देते हैं वर्ड ही लिख देते हैं अब क्या करते हैं इसको प्रिंट करते हैं तो उसने आपने डिफरेंस देखा क्या हुआ उसने दोनों को मिलाकर लिख दिया समझ में आई ये बात अगर मैं स्ट्रिंग के अंदर कोई नंबर दे देता हूं अब आप मुझे बताएं ये क्या प्रिंट करेगा हेलो हानिया yes. आप मुझे बताएं अब four, मैंने six. क्या प्रिंट करेगा फोर सिक्स ठीक है तो यहाँ पे ये फोर सिक्स प्रिंट कर देगा क्योंकि अब ये फोर और सिक्स जो है हमारे पास क्या हो रहे हैं स्ट्रिंग कंसीडर हो रहे हैं क्योंकि ये अब स्ट्रिंग बन गए हैं तो जब हमारे पास स्ट्रिंग होती है तो वो उसको क्या कर देता है कॉन कैटिनेट कर देता है यानी दो चीजों को आपस में मिला कर लिख देता है ठीक है अब अगर क्या हो मैं एक नंबर को स्ट्रिंग रहने देता हूं और एक को इंटीजर लेट्स ये प्लस, इसको प्लस करेगा या कॉन करेगा या एरर देगा एरर एरर देगा क्यों क्योंकि है 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 क्योंकि उनकी है। एक integer है तो एक तो तो इसका कोई हमारे पास दूसरी वाली की भी टाइप चेंज कर दें मेरे पास है ही स्ट्रिंग अब मेरे पास स्ट्रिंग ही है अब हमने एक चीज़ सीखी थी कि किस तरीके से हम प्रिंट फॉर्मेट कर रहे होते हैं एफ लगा के और फिर इसके अंदर अपनी जो है वैल्यूज दे रहे होते हैं। इस तरीके से करके देखते हैं क्या इस तरीके से हो रहा है या नहीं ठीक है पहले वे उसमें मैं ए दे देता हूँ तो उससे में मैं बी दे, दे देता हूँ मुझे नहीं पता क्या आंसर आएगा ठीक है हम लोग अभी सीख रहे हैं इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या होगा तो अब आप देखें क्या आ रहा है आंसर पहले ये रिमूव कर देता हूँ अब आप आंसर देखें अब आंसर क्या रहा Four six. Four six आ रहा है फोर सिक्स आ रहा है ठीक है तो अब मेरे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स थी अब मुझे उन्हें कॉन्डिनेट करना था तो हमने क्या किया को कर दिया की। ये जो है मैंने आपको पहले भी सिखाया था जब हम स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहे थे ऐसा ही है yes. ये हमने सीखा हुआ है ना कि किस तरीके से हम प्रिंट करते हैं उसके अंदर फिर एफ लगा देते हैं एफ फॉर फॉर्मेट फिर कोटेशन मार्क के अंदर लेट uh, सब मैं बीच में ये लिख देता अब ये एंड भी प्रिंट हो जाएगा क्योंकि एंड एज स्ट्रिंग यहाँ पे कंसीडर हो जाएगा फोर एंड सिक्स राइट लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास सिर्फ नंबर्स प्रिंट हो तो वो इस तरीके से प्रिंट हो जाएंगे ठीक जब... है जब हमारे पास सेम डेटा टाइप्स होती है जब हम आसानी से कॉन्ग्रेजुनेट कर सकते हैं लेकिन हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स होंगी तो हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट ही यूज करना पड़ेगा ठीक है समझ में आ गया आपके ये ठीक है गुड अब जो ये वीडियो मैंने जो हमारा सेशन था ये पूरे रिकॉर्ड कर लिए जैसे ये कन्वर्ट होगी मैं आपको शेयर कर दूंगा बाकी आप मुबशर की हेल्प भी कर दीजिएगा मैंने पूरी कोशिश की है कि एक एक चीज डीपली डिफाइन करूं ताकि जब मुब्सर ये वीडियो देखें तो उन्हें भी आसानी से समझ में आ जाए ठीक है फिर भी अगर उन्हें कोई क्वेश्चन होता है कोई क्यूरी होती है तो जब वो क्लास अटेंड करेंगे इनशाला फिर मैं उसे रिजॉल्व कर दूंगा लेकिन अगर एट द टाइम लेट सपोज उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप उन्हें गाइड कर दीजिएगा ठीक है हेलो ओके ठीक है तो अभी वी हैव जस्ट मिनट्स लेफ्ट तो अभी मैं कोई चीज स्टार्ट करूंगा तो फिर वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा ठीक है तो फिर बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे अब तक कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज कर सकती हैं या फिर पुराने लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नो no. ठीक है नाउ यू कैन लीव इट्स एट फिफ्टी नाइन ओके अल्लाह हाफिज अल्लाह